नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि वहाँ पर भी आपको अपडेट मिलती रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को पता है मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना तो शुरू कर दी गई है, परंतु बहुत सी माता बहनों को ये भ्रम है कि हमने वो भ्रम यह था कि हमने हमारे लाडली बहना योजना के अंतर्गत हमें लाभ ही नहीं मिला, हमारा आवेदन ही नहीं हुआ, हमने फॉर्म ही नहीं डाला लाडली बहना योजना का, हमारे पास आवेदन नंबर नहीं है। क्योंकि जब भी हम उसका लाडली बहना आवास योजना का फॉर्म डालते हैं तो यहाँ पर आप 14 नंबर पर देखिए, परिवार मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पंजीयन नंबर मांगता है। तो आज वही हम बताने वाले हैं कि आपके पास अगर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पंजीयन नंबर नहीं है तो क्या आप मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का आवेदन कर सकते हैं नहीं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको बिल्कुल स्पष्ट हो सके और आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो आपको बिल्कुल योजना का लाभ मिल सके। तो सबसे पहले हमने ये PDF ओपन कर ली है, तो सबसे पहले बात तो हम आपको बता देते हैं कि ये देखिए योजना अंतर्गत हितग्राहियों के आवेदन फॉर्म की जांच निम्न बिंदुओं पर की जाएगी। आवेदक परिवार योजना के लिए पात्र है या नहीं, अगर आवेदक के पास पक्की छत वाला मकान है, दो से अधिक कमरे वाला कच्चा मकान है उसमें निवासरत है, मोटरयुक्त चौपहिया आपके पास चार पहिया बार नहीं होना चाहिए, परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए, मासिक आय 12,000 से अधिक नहीं होना चाहिए, परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए, 2.5 एकड़ उससे या 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि नहीं होना चाहिए। ये तो हमने जान ली कि इसकी पात्रता, ये तो सभी को पता है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं फॉर्म भरने की प्रक्रिया, इसी में आपको पता चलेगा कि आपके पास लाडली बहना का आवेदन नंबर नहीं है तो आप फॉर्म भर सकते हैं नहीं, ठीक है। ठीक है, 3.1 का आप देखिए, योजना हेतु निर्धारित आवेदन फॉर्म जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराए जाएंगे, जनपद पंचायत द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत वार्ड में फॉर्म उपलब्ध करा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत ऐसे हितग्राही जो कंडिका 2 में निर्धारित पात्रता रखते हैं, ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान किए गए आवेदन पात्र में सभी बिंदुओं की जानकारी भरकर फॉर्म ग्राम पंचायत में जमा करेंगे, सचिव ग्राम रोजगार सहायक उस द्वारा उसके आवेदन की पावती दी जाएगी। अब मेन बात जो है वो कि आपके पास आवेदन नंबर नहीं है लाडली बहना योजना का, तो उसको आपको 3 पॉइंट पढ़ना है, 3.3 वाला पढ़ना है। आवेदन पत्र के साथ समग्र आईडी, आपको आवेदन पत्र के साथ क्या क्या जरूरी है, समग्र आईडी आपको लाना है, आधार नंबर लाना है, बैंक खाता लाना है, जॉब कार्ड अगर आपके पास उपलब्ध हो तो बैंक जॉब कार्ड नंबर लगाना है, लाडली बहना का पंजीयन क्रमांक केवल लाडली बहना योजना के हितग्राही के लिए, अगर आप लाडली बहना योजना के हितग्राही हैं तो आप इसमें अपना पंजीयन नंबर लगा सकते हैं, अगर आप लाडली बहना के हितग्राही नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, आप उसे खाली छोड़कर बाकी जानकारी भरकर आप आवेदन को ग्राम पंचायत अपने वार्ड में जमा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इतनी बात है कि आप लाडली बहना के हितग्राही नहीं हैं फिर भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए जब आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर फॉर्म भरते समय भी आपको कुछ जानकारी मांगते हैं, उसे अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, आपसे 14 नंबर पर क्या मांग रहा है, परिवार मुख्यमंत्री लाडली बहना का लाभार्थी है, अगर है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो आपको पंजीयन नंबर डालना है। यह स्पष्ट तो इसी से हो जाता है कि जब आवेदन पत्र आप पढ़ेंगे परिवार मुख्यमंत्री लाडली बहना का लाभार्थी है तो ही आपको पंजीयन नंबर लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना है। और इसमें जरूरी नहीं कि केवल लाडली बहना ही आवेदन कर सकती, इसमें पुरुष महिला कोई भी आवेदन कर सकता है, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि केवल जो महिला है वो ही लाडली मुख्यमंत्री लाडली आवास योजना के लिए हितग्राही पात्र हैं, पुरुष महिला कोई भी आवेदन कर सकता है, इसके लिए कोई पात्रता नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप सभी को जो वीडियो की नोटिफिकेशन वो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।